पॉल्यूशन, जो धुंध की चादर अब अपने आसपास देख रहे हैं, वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहां पर AQI लेवल 1000 पार कर चुका है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं, काफी चीजों की दिक्कतें हो रही हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। हमारे साथ आज रिपोर्टर जमीर अली जी जुड़ रहे हैं, जो इस मुद्दे पर बात करेंगे कि लाहौर में इतना पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। जमीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम सबसे पहला सवाल आपसे यही लेंगे कि पॉल्यूशन जो लाहौर में इस वक्त इतना बढ़ गया है, उसकी क्या वजह है? जी हिबा, देखें, पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत अरसे से ये बातें की जा रही थी कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान का जो मौसम है वो तब्दील होता जा रहा है। इस हवाले से बारिशें कम हो रही हैं और दीगर जो एक वेदर की शिफ्टिंग है उसके कई असरात मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसके हवाले से अगर हम बात करें, जो लाहौर में इस वक्त धुंध की सूरत हाल है, ये पिछले कई दहाइयों से हमें नज़र आ रही थी लेकिन इतनी शदीद नहीं थी। लेकिन इस बार हमने देखा है कि वहाँ पर बहुत शदीद धुंध का आलम है और उसके साथ साथ बहुत बीमारियां फैल रही हैं। गले का इन्फेक्शन बढ़ गया है, आंखों की बीमारियां हैं, स्किन का प्रॉब्लम है। उसके हवाले से एक हफ्ते से जो स्कूल्स हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं। इससे पहले ये किया गया था कि जो स्कूल्स हैं उनकी टाइमिंग चेंज की गई थी, बिलाखर उनको छुट्टियां करनी पड़ी, तहम वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तो बुनियादी तौर पे जो इसकी वजूहात है उसमें तो जो कहा जा रहा है कि खेतों में जो फसलों की बाकियात होती है उसको जलाया जाता है, उसके अलावा गाड़ियों का धुआं है और इसके अलावा फैक्ट्रीज का जो धुआं होता है उसकी वजह से ये पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें दो मुहरकात मुझे बज़ाहिर समझ आते हैं। एक तो मौसम की तब्दीली, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से बारिशें होना बड़ा कम हो गई हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो पोल्यूशन है, और पोल्यूशन की वजह से ही इस वक्त ये है कि वहाँ पर एयर इंडेक्स की सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है कि दिन के टाइम में भी वहाँ पर ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ अगर आप ट्रेवल करते भी हैं तो मास्क लगाए बगैर ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे गले की खराश, आंखों में जलन और दीगर बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी दिल्ली या दीगर जो हिंदुस्तान के शहर है उससे कम नहीं है। यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल हैं, और इस हवाले से हम देखेंगे जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं वैसे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हाईवे है मोटरवे उसको बंद कर दिया जाता है, शाम के औकात में ये बंद कर दिया जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके असरात सिर्फ लाहौर तक नहीं है, जैसे जैसे ये सर्दियां बढ़ेंगी तो इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी ये सूरत हाल हो जाती है कि रात के वक्त ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट इसके लिए कई कोशिशें कर रही हैं, अब देखते हैं कि वो कितनी कामयाब होती है। लेकिन इस वक्त जो लाहौर की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। बंदा अगर बाहर निकलता है तो मास्क लगाए बगैर बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि गले की खराश और दीगर प्रॉब्लम वहाँ पर बढ़ गए हैं। जी जी समीर जी, एक सवाल ये है कि 14 मिलियन लगभग लाहौर की पॉपुलेशन है, और इस वक्त लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित, कह लीजिए सबसे पॉल्यूटेड जो है सिटी में आ रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की सरकार है वो ये कह रही है कि भारत की वजह से जो है यहाँ पर ये पॉल्यूशन आया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हिबा, देखें, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे दिल्ली और उसके आसपास या उससे जो मलहका इलाके हैं वहाँ पर एयर की जो सूरत हाल होती है, जैसे अगर हवा इस दिशा से चलती है कि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रही है तो यकीनी तौर पे जो मौसमी असरात हैं वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हैं, और अगर दिशा दूसरी तरफ से हवा चलती है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ जा रही तो पाकिस्तान के असरात हिंदुस्तान पर होते हैं। लेकिन टोटल हिंदुस्तान की जो शहर है वहाँ से जो सूरत हाल है वो ये नहीं है कि वहाँ से हवा पाकिस्तान आती है। बुनियादी तौर पे लाहौर अवर पॉपुलेटेड एरिया बन गया, वहाँ पर पहले ध्यान नहीं दिया गया। इससे पहले की जो सरकार थी, जैसे मौजूदा सरकार है, तो नून लीग की पहले कई अरसे से वहाँ पे हुकूमत रही है, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत थी। यही वजह है कि वहाँ पर धुआँ और गाड़ियाँ और दीगर जो चीज़ें उसकी वजह से पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान हवा आती है उसकी वजह से भी असरात मुरतब होते होंगे। लेकिन 80 से 90% जो पॉपुलेशन और दीगर जो चीज़ों की वजह से यहाँ पे मसाइल पैदा हुए हैं वो उसकी वजह से हुए हैं कि यहाँ पे जो गंदगी है, इसके अलावा पहले काफ़ी अर्सा पहले आप देखती होंगी कि पाकिस्तान में खबरों में ये भी आती होती है कि लाहौर में जो गंदगी के ढेर हैं उसके साथ साथ गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रीज का धुआं है, गैस की वजूहात हैं, लकड़ियाँ जलाना है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में एक अरसे से हमने देखा है
के दरख्त नहीं लगाए जा रहे थे और दरख्त जो पहले से मौजूद थे उनको बड़ी तेज़ी से काट के वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाए जाते रहे हैं। तो यही वजह है कि जब एक आबाद ज़मीनों को आप काट काट कर वहाँ से दरख्त और दीगर फसलें काट कर वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएंगे तो उसके नतायज यही निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि लाहौर की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो सबसे बड़ी वहाँ पर मौसमियात की तब्दीली की वजह है, उसकी बुनियादी वजह है कि ये भी है कि वहाँ पर दरख्त लगाए नहीं गए बल्कि काटे ज़्यादा गए। पिछले कई दिहाइयों से ये सूरत हाल चलती रही है जिसके नतीजे में आज ये लाहौर की सूरत हाल है कि लाहौर के जो शहरी हैं वो दिन के वक्त भी सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस करते हैं। जमीर जी, जो वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ सरकार है उन्होंने जो ये इल्ज़ाम लगाए हैं भारत पर कि जो है यहाँ की वजह से जो है पराली जलाई जा रही है पंजाब चंडीगढ़ में, उसकी वजह से वहाँ पर पॉल्यूशन फैल रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? जो स्कूल हैं बंद कर दिए गए हैं वहाँ पर, लेकिन सरकार के क्या कदम है इतने बड़े AQI पे जो 1000 पार कर चुका है? वहीं सैटरडे को जो है 1900 पार करा था AQI, लेकिन सरकार क्या कर रही है ये भी बता दीजिए। देखिए, सरकार इस वक्त तो हमें बज़ाहिर संजीदा नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने पहले जो ईंटें बनाने वाले भट्ठे थे उन पर पाबंदी लगा दी जहाँ से धुआं निकलता था उनकी चिमनियों से। उसके साथ साथ उन्होंने गाड़ियाँ, जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं, उन पर भारी जुर्माने आयद करना शुरू किए। उसके अलावा जो लोग खेतों में अपनी फसलों की बाकियात जलाते उस पर भारी जुर्माने आयद करना शुरू किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सरकार ने इकदाम उठाना शुरू किए हैं इनके असरात हमें कुछ सालों में नज़र आएंगे, लेकिन फौरी तौर पर इतने ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे तब पड़ता कि जब इसके लिए कोई 2-4 साल पहले से प्लानिंग की जाती तो उसके अब असरात हमें मुरतब होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त जो भारत की हवा से जो पाकिस्तान में पोल्यूशन बढ़ती है उसके भी एक रीज़न है क्योंकि हवा ज़ाहिर है कि जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ चलेगी तो हवा को तो कोई रोक नहीं सकता, या फिर जब पाकिस्तान की दिशा से चलेगी तो हिंदुस्तान भी आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। बुनियादी तौर पर जो ओवर पॉपुलेटेड एरिए हैं और वहाँ पर जो दरख्तों की कटाई है, उसके साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीली है, तो उसके बाद इस वक्त जो सूरत हाल में नज़र आ रही है वो इस उसका एक रीज़न नहीं है, उसके कई रीज़न है। लेकिन उसमें एक रीज़न ये भी है कि दरख्तों की कटाई को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए और उसके साथ साथ जो बारिशों का कम होना है ये भी एक बड़ी वजह है। पिछले साल आपने शायद देखा हो कि पाकिस्तान में जो सरकार थी निगरान सरकार, उन्होंने मसनूई बारिश की थी लाहौर में और उसके बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जितने इकदाम उठाए गए ये काफ़ी नहीं है, इनको मजीद इकदाम उठाने पड़ेंगे जिसमें मौसमी बारिश और दीगर जो माहौलियाती बेहतरी के हवाले से इकदाम उठाए जा सकते हैं तो वो उठाने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ उनको ये भी पाबंदी लगानी पड़ेगी कि लाहौर उसके गिर्दो नवा में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और बड़े पैमाने पर दरख्त काटे जा रहे हैं, जो फसलें ख़त्म की जा रही हैं, जो आबाद ज़मीनें थी जहाँ पर लेल आते खेत हुआ करते थे वहाँ पर अब कंक्रीट की दीवारें बनना शुरू हो गई हैं, तो जब तक इसका उपाय नहीं लिया जाएगा तब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। सिर्फ हिंदुस्तान की जानिब से जो हवा आती है उसकी वजह से पाकिस्तान में ये पोल्यूशन नहीं है, लेकिन उस वो एक वजह है क्योंकि हवा ज़ाहिर है कि जब हिंदुस्तान से चलेगी तो पाकिस्तान आएगी, जब पाकिस्तान से चलेगी तो हिंदुस्तान जाएगी। लेकिन ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक दायरे में देखने के बजाय ओवरऑल जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसके दायरे में देखने की ज़रूरत है और इसके लिए संजीदा इकदाम उठाने की ज़रूरत है। जमीर जी, एक सवाल और सीधा सीधा मैं पूछना चाहूंगी कि वहां पर जो बच्चे हैं उनको मास्क लगाना जो है बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है, बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? और जो 1000 AQI लेवल है वो तो बहुत ही ज्यादा बताया जाता है क्योंकि 500 ही हमारा जो है बहुत सीरियस कंडीशन में आ जाता है जो AQI है, तो वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इस टाइम? देखिए, इस वक्त जो लाहौर के रहने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि उनके लिए दिन को और रात को सांस लेना दुश्वार हो गया है। मास्क लगाने के बाद भी उनके गले के इन्फेक्शन्स हो रहे हैं, उसके अलावा आंखों में तकलीफ़ का एक इशू पैदा हो गया है। बच्चों को लगाने का, जो मास्क लगाने का मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन इसके हवाले से उतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें मेजोरिटी गरीब पॉपुलेशन है जिनके लिए मास्क खरीदना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये जो इकदाम उठाए
लगाए गए हैं। इन इकदाम से कोई 25-30% लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ेगा, बाकी जो ओवरऑल आबादी है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाहौर में दिन के टाइम पे रोड पे चलना मुश्किल है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, और उसके साथ साथ जो बच्चे और उसके साथ साथ जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि वो हवा में निकलते हैं, तो हवा जब जहरीली हो जाए तो फिर वो कहाँ जाएँ। हर आदमी तो एयर कंडीशन या दीगर चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है उनको एक ताज़ा हवा चाहिए होती है। अब ताज़ा हवा जहरीली हो चुकी है लाहौर की, तो वहाँ के शहरी बहुत ही मुश्किल में हैं। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जितने इकदाम उठाए गए हैं इससे इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको मज़ीद संजीदा और सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि फौरी तौर पर इसमें बेहतरी लाई जा सके। अगर बेहतरी नहीं आई तो लाहौर की हालत मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। जी जी जमीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सवाल और है कि WHO की तरफ से भी ये भी कहा गया है, जो इतना AQI है इससे बीमारियां, जैसे कि आपने शुरू में भी जिक्र किया था, इससे बीमारियां बहुत हो रही हैं। तो इससे जो बीमारियां, मैं बता दूं कि यहाँ स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, ऐसी कई बीमारी, बड़ी बीमारियां हैं जो इससे हो रही है। तो इसमें हॉस्पिटल वे क्या जो है फैसिलिटीज रेडी कर दी गई हैं वहाँ लाहौर के, और लोग क्या उन फैसिलिटीज का फायदा उठा पा रहे हैं? देखें, इस तरह इस हवाले से जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट तो किया गया है, लेकिन एक तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो नॉर्मल हालात के हिसाब से बनाई गई हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, तो लोग इस तरह की हल्की फुल्की बीमारी की सूरत में फौरी तौर पे उस तरफ का रुख नहीं करते। अब इससे जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, फेफड़ों का जो खांसी है और दीगर जो बीमारियाँ हैं, उसमें काफ़ी लोग बीमार तो शदीद तौर पे हैं लेकिन वो हॉस्पिटल से कम जाते हैं। तो इसके जो असरात हैं वो आए दिन, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो आए दिन बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती, तो इस हवाले से वहाँ पे जो बीमारियों की रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। अब लाहौर की जो हुकूमत है पंजाब की, वो इस हवाले से संजीदगी से कोशिश तो कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से उनको कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, जिस वजह से माहौलियाती तब्दीली के बहुत बुरे असरात लाहौर पर मुरतब हुए हैं। अब लाहौर की जो आबादी है उसका तकरीबन कोई 50% आप लगा सकते हैं ऐसा है जो कि इस वक्त इन तमाम बीमारियों में बुरी तरह से जकड़ चुका है। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी 80% लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा रहे, जिसकी वजह से ये जो बीमारियाँ आज उनको लगी हैं इनके आने वाले दिनों में उनके असरात बहुत ज़्यादा नमूदार होंगे और वो बड़े ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो पहले हमने देखा था कि लाहौर में जैसा डेंगू का मसला शुरू हुआ था, तो पहले 2-4 लोगों से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर डेंगू बेकाबू हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौसमियाती तब्दीली से जो लाहौर का इस वक्त बुरा हाल है, ये हालात आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होंगे। तो इस हवाले से हुकूमत ने जितनी अब तक कोशिशें की हैं वो अपनी जगह पर बेहतर हैं, लेकिन इसको मज़ीद कई गुना ज़्यादा बढ़ा कर कोशिशें करनी पड़ेंगी ताकि लोगों के हवाले से कोई बेहतर त्याल पैदा हो। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की कमी की वजह से लोग फौरी तौर पे हॉस्पिटल्स नहीं जाते, या हॉस्पिटल्स में रहते नहीं है, या फिर लोग मास्क नहीं लगाते, तो इसलिए जितनी हॉस्पिटल्स हैं या टोटल जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं ये उसकी जरूरत के मुताबिक बहुत ज्यादा कम है। जी जी जमीर जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल यही लेना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया वहाँ पे हॉस्पिटल्स कम है लाहौर में, और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि लाहौर जो है सबसे दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी में भी शामिल हो गया है, और ये पहले भी शामिल हुआ था, और यहाँ पे इस टाइम पे उसका AQI 1900 भी पार कर चुका है। क्या वजह है, क्या सरकार जो है लाहौर को अनदेखा कर रही है, क्या वहाँ पे सरकार को अहम फैसले लेने चाहिए लाहौर के लिए, क्या कुछ है? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि लाहौर के हवाले से गुज़िश्ता जो साल था जब यहाँ पे एयर इंडेक्स की हालत ख़राब हुई थी, तो उस वक्त भी मस्नूई बारिश करके और दीगर मामलात को कंट्रोल किया गया है। मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वहाँ के जो सरकार है वो आर्जी तौर पे जैसे ही कोई मसला खड़ा होता है तो उसके लिए फिर फौरी तौर पे उपाय लेना शुरू करती है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो मामला ज़रा धीरे हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, उसके बाद उसको भूल जाती है। यही वजह है कि ये इसके लिए जो पूरे साल में इनको उपाय लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिए। इस वक्त जब एक वबा की सूरत वहाँ पर इख्तियार कर चुकी है, तो इस वक्त गवर्नमेंट उसके हवाले से कोशिशें कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि लाहौर की सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता कई सालों से हमने देखा है जो आर्जी तौर पे उपाय लिए जाते हैं और जब माहौल बेहतर होता है तो उसको भूल जाते हैं, तो मौजूदा सरकार को इसके लिए कोई मुस्तकिल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर उन्होंने मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बनाई तो लाहौर में आने वाले दिनों में मजीद सूरतयाल ख़राब हो सकती है। क्योंकि देखें, मैं वहाँ से कितना दूर हूँ, उसके बावजूद भी इस वक्त भी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे गले की खराश और खांसी शुरू हो गई थी ज़्यादा बात करने के लिए। आपके पीछे एक धुंध की चादर सी दिख रही है।
बिल्कुल तो इस वक्त हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आने वाले साल में शायद इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अगर पूरे साल इसके लिए कोई उपाय नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के लिए इसको कंट्रोल करना शायद मुश्किल हो जाए। इस वक्त बज़ाहिर कंट्रोल भी है और कंट्रोल नहीं भी है, लेकिन आने वाले दिनों में बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और इस वक्त भी अगर हम बात करते हैं तो लाहौर की बहुत ही बुरी सूरत हाल है, जितनी कि शायद हमें टीवी चैनल्स पर नज़र आती है उससे कई गुना ज़्यादा बुरे हालात हैं जो कि अभी शायद नज़र नहीं आ रहे लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमीर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और वहाँ पर जो भी कुछ पोल्यूशन से जुड़ा है हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।